हेलो फ्रेंड्स, वेलकम टू आवर चैनल मैथमेटिक्स सक्सेस। यहाँ पर हम लोग कुछ और इम्पोर्टेंट क्वेश्चंस देख लेते हैं जो आपके मतलब पूछे जा सकते हैं पेपर की दृष्टि से, जो बच्चे सॉल्व नहीं कर पाते हैं क्वेश्चंस उनके लिए है ये। और अगर आपने इजी नोट वाले वीडियोस देखे हैं तो आप ये नहीं भी देखेंगे तब भी चलेगा, अगर आप देखना चाहते हैं तो ये देख सकते हैं, ठीक है। तो हमारा पहला क्वेश्चन है द ऑर्डर ऑफ द डिफरेंशियल इक्वेशन पूछा है। तो हमने आपको बताया था ऑर्डर क्या होता है, जो मैक्सिमम पावर होती है मतलब डी टू के फॉर्म में वही हमारी होती है। तो यहाँ पे डी फोर है मैक्सिमम, ठीक है, तो यहाँ पे ऑर्डर फोर हो जाएगा, ठीक है। देखो लिखा भी है नीचे, हेयर हाईएस्ट ऑर्डर इज़ फोर, सो ऑर्डर मतलब हाईएस्ट यहाँ पे पावर लिखा होना चाहिए था, हाईएस्ट पावर इज़ फोर सो द ऑर्डर इज़ फोर, ठीक है। अगला है द इंटीग्रेटिंग फैक्टर पूछा है, तो इंटीग्रेटिंग फैक्टर कैसे निकालते हैं, ये फॉर्म डी ये वो वाली फॉर्म बन रही है ना, डी वाई बाई डी एक्स प्लस यहाँ पे कोई साइन छूट गया है वाई इंटू वाई में, यहाँ पे जो लगा हुआ है यहाँ पे साइन छूटा हुआ है, एक प्लस या माइनस लगा के चेक कर लीजिएगा जिससे आ जाएगा, ठीक है। तो ये कॉट एक्स से डिवाइड करेंगे तो यहाँ पे वाई पॉन कॉट एक्स आएगा, तो यही हमारा पी है, वन बाई कॉट एक्स, यहाँ कॉट एक्स का होता है लॉग साइन एक्स, तो साइन एक्स आ जाएगा हमारा, तो यही हमारा क्या हो गया, इंटीग्रेटिंग फैक्टर हो गया, ठीक है। तो यहाँ पूछा है फिर आगे ऑर्डर पूछा है, तो ऑर्डर क्या है, मैक्सिमम पावर ऑर्डर होती है आपको बताया था, तो यहाँ थ्री है मैक्सिमम पावर तो थ्री ऑर्डर हो जाएगी। अगला है द इंटीग्रेटिंग फैक्टर ऑफ, देखिए एक एक ऑर्डर और एक डिग्री जरूर पूछी जाएगी तो इसको अच्छे से पढ़ेंगे। द इंटीग्रेटिंग फैक्टर डिफरेंशियल इक्वेशन पूछा है, तो इंटीग्रेटिंग फैक्टर ये भी देख लीजिए क्या फॉर्म बनी हुई है, डी वाई बाई डी एक्स प्लस पी वाई इक्वल टू क्यू एक्स, ठीक है। तो ये फॉर्म बनी हुई है, यहाँ पी क्या है, सेक स्क्वायर एक्स है, तो सेक स्क्वायर एक्स ई की पावर इंटीग्रेशन सेक स्क्वायर एक्स, तो सेक स्क्वायर एक्स का क्या होता है टेन एक्स, तो ई टू द पावर टेन एक्स आ जाएगा, ठीक है, ई टू द पावर टेन एक्स आ गया, तो यही हमारा क्या है, इंटीग्रेटिंग फैक्टर हो गया, ऑप्शन डी राइट है। अगला जो था ये इंटीग्रेटिंग फैक्टर पूछा था, ऐसे ही सिंपल सा ये तो इक्वेशन दी हुई है, तो क्या होता है ई की पावर इंटीग्रेशन पी एक्स तो होता है, ठीक है, पी डी वाई, ये y के फॉर्म में इसलिए यहाँ डी वाई आएगा, ठीक है। देखिए dx भी दिया dy भी दिया, तो यहाँ y है इसलिए y के फॉर्म में आएगा, ठीक है। अगला जो है m dx प्लस n dy इज एग्जैक्ट इफ, देखिए ये वीडियो देख लेंगे तो आपका रिवीजन हो जाएगा, ठीक है। ये क्वेश्चन पूछा भी गया था, हमने जो प्रीवियस ईयर चैप्टर्स डिस्कस किए हुए थे तो उसमें आपको ये क्वेश्चन मिलेगा भी, ठीक है। डेल m अपॉन डेल y बराबर डेल n अपॉन डेल x होता है, ठीक है, आप वहाँ से देख लेंगे। और वो जो प्रीवियस वीडियोस पहले वाले पढ़े हैं वो आपके क्वेश्चन पूछे जा चुके हैं, वही वीडियोस हैं, तो उन्हें देखना बिल्कुल ना भूलें। 2016-17 का लैपलॉस का जो भी वीडियो पढ़ा था उसकी पीडीएफ मैं टेलीग्राम पे दे दूँगी अभी, तो आप वहाँ से उसको पढ़ लीजिएगा, और वीडियो से आप पढ़ेंगे तो आपको जल्दी याद होगा, तो इसको मल्टीपल टाइम्स वीडियोज़ को देख लीजिए, आपको बहुत अच्छे से प्रिपेयर हो जाएगा। तो यहाँ m के अपॉन में y रहेगा, तो ये आपको ध्यान रखना है, एम डी एक्स प्लस एन डी वाई, तो dy मान लीजिए अपॉन में आ गया, तो डेल m बाई डेल y इक्वल टू डेल n अपॉन डेल x, ठीक है। अगला क्वेश्चन है ये हमारा, विच ऑफ द इज एग्जैक्ट इक्वेशन पूछिए, क्वेश्चन इज एग्जैक्ट, कौन सी इक्वेशन एग्जैक्ट है, ठीक है। तो यहाँ पे ऑप्शन जो है हमारा सी ऑप्शन सही है, कैसे होगा ऑप्शन सी, तो ये देखेंगे एग्जैक्ट इक्वेशन कब होगी, जब डेल एम बाई डेल वाई इक्वल टू क्या होगा डेल एन अपॉन डेल एक्स होगा, ठीक है। तो ऑप्शन सी ही ओनली सेटिस्फाई कर रहा है, इसलिए हमारा ऑप्शन नंबर सी सही होगा। यहाँ पे एक्सप्लेनेशन दिया हुआ है तो आप देख लीजिएगा, ठीक है। अगला क्वेश्चन है फिर यहाँ पे पूछा है कौन सी एग्जैक्ट है, अगर आपको एग्जैक्ट इक्वेशन नहीं पता है तो आप वहाँ पे नहीं कर पाएंगे, ठीक है। तो ये एम डी एक्स प्लस एन डी वाई होती है, अभी आपको बताया, ठीक है। यहाँ भी डेल एम अपॉन डेल वाई इक्वल टू डेल एन अपॉन डेल एक्स जो इक्वेशन सेटिस्फाई करेगी वही हमारी एग्जैक्ट इक्वेशन होगी, तो ऑप्शन डी सही है। अगला है ये पूछा गया है, सॉल्व करना है इसको भी, तो इसको कैसे करेंगे, यहाँ से इसको कैसे करेंगे, तो एक्स स्क्वायर प्लस वाई स्क्वायर डी एक्स इक्वल टू टू एक्स वाई डी वाई लिखेंगे, ठीक है, टू डी वाई लिखेंगे, उसके बाद क्या करेंगे टू डिवाइड, तो यहाँ से डिवाइड बाई डी एक्स निकाल लेंगे, टू एक्स वाई अपॉन में आ जाएगा, उसके बाद जब सॉल्व कर देखिए यहाँ पे दिया हुआ है, ठीक है, डिवाइड बाई डी एक्स निकाला, एक्स स्क्वायर प्लस वाई स्क्वायर बाई टू एक्स वाई आया, तो वाई इक्वल टू बी एक्स रख देंगे, यहाँ पे हमारी इक्वेशन आ जाएगी, ऑप्शन बी आएगा, कैसे आएगा ये आप देख सकते हैं, इतना बड़ा सा क्वेश्चन है, आप ध्यान रखेंगे तो ज़्यादा सही रहेगा, वाई स्क्वायर माइनस एक्स स्क्वायर इक्वल टू सी एक्स आंसर है इसका, ठीक है। ये
बहुत इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है, इसको ध्यान रखेंगे। अगला क्वेश्चन, द इंटीग्रेटिंग फैक्टर ऑफ एक्स डिवाइड बाई डी एक्स प्लस वाई इक्वल टू वाई स्क्वायर लॉग एक्स इज, यहाँ पे ऑप्शन हमारा ए राइट है, 1/x। ठीक है, तो यहाँ पे एक्सप्लेनेशन दिया हुआ है, आप देख लेंगे कि कैसे होगा। ठीक है, अगला जो हमारा इंटीग्रेटिंग फैक्टर है, ये हमारा ऑप्शन जो है 1/x^5 होगा। ठीक है, इसको जब आप लोग सॉल्व करेंगे इस टाइप से सॉल्व होगा, e टू द पावर इंटीग्रेशन 1/x dx आएगा, ये log x होता है तो log x आ जाएगा, तो x इंटीग्रेटिंग फैक्टर आ जाएगा, आप उसमें वैल्यू रख के निकाल लेंगे तो आपका 1/x^4 आंसर आ जाएगा, सॉरी 5। ठीक है, अगला जो क्वेश्चन है इसका 1/x आएगा, आप लोग इस टाइप से इसको भी कर सकते हैं, ये देखिए दिया हुआ है। ठीक है, तो इसका एक्सप्लेनेशन आप देख लीजिएगा कैसे सॉल्व है। अगला है सॉल्व cos x प्लस वाई डिवाइड बाई डी एक्स, तो ये कैसे सॉल्व होगा, तो ये है y इक्वल टू सी टेन 1/2 एक्स प्लस वाई आया है, तो कैसे आया है, डिवाई बाई डी एक्स यहाँ से हमने निकाल लिया, डिवाई के पॉन में डी एक्स, ये cos y इधर भेज दिया, तो ये 1/cos होता है, हमको पता है 1/cos θ क्या होता है, sec थीटा होता है, तो वहीं sec या थीटा की जगह x प्लस वाई है, इसलिए x प्लस वाई लिखा हुआ है। देन हम लोगों ने क्या किया, x प्लस वाई इक्वल टू जेड यहाँ पे दिया हुआ था, ठीक है, यहाँ पे दिया नहीं है, हालांकि होता है दिया। ठीक है, तो यहाँ से हम लोगों ने निकाला x प्लस वाई प्लस जेड है, तो यहाँ से x प्लस वाई इक्वल टू जेड होगा, तो जेड रख दिया, मान लिया है। ठीक है, यहाँ पे लेट कर लिया x प्लस वाई इक्वल टू जेड, ठीक है, दिया नहीं रहेगा, ये आपको एज्यूम ही करना पड़ेगा, आप जेड की जगह टी भी मान सकते हैं, कुछ भी मान सकते हैं, तो यहाँ पे हमने मान लिया, ठीक है, जेड, तो देन यहाँ पे एक्स नहीं जेड है, तो कॉस जेड का क्या हो जाएगा, कॉस 2θ का होता है 2cos²θ-1, लेकिन यहाँ जेड है इसलिए मतलब केवल 2z होता तो केवल ये फॉर्मूला लगा देते, जेड है इसलिए θ/2 किया हुआ है, यहाँ से 1/1 कट गया ये, तो इतना बचा, इसके अपॉन में हर एक के अपॉन में भेज दिया और ये बना लिया, इस टाइप से आंसर आ गया y = tan x + y/2 + c। आंसर याद रखेंगे तो ज़्यादा आसानी रहेगी आपके लिए, ठीक है, इतना कोई टफ भी नहीं है। अगला क्वेश्चन जो है y - x / dx = ay² + dy/dx, देन यहाँ पे आप लोग सॉल्व करेंगे, दोनों तरफ इंडिकेशन लेके सॉल्व करना है, y = c a + x ((1-ay)। देखिए बहुत ही इंपॉर्टेंट, ज़्यादा इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है, इनको बहुत अच्छे से पढ़ेंगे। ठीक है, अगला जो पूछा गया है क्वेश्चन, 1+xy dx + 1-yx dy = 0, तो ये ऑप्शन बी राइट हो जाएगा, xy = c e to the power y - x। ठीक है, ऑप्शन जो हमारा है बी वाला ऑप्शन हमारा राइट हो जाएगा। ठीक है, अगला क्वेश्चन है, ये कैसे सॉल्व होगा आप लोग देख लेंगे। अगला क्वेश्चन है डिफरेंशियल इक्वेशन लीनियर पूछा है, कौन सी लीनियर डिफरेंशियल इक्वेशन होगी, लीनियर डिफरेंशियल इक्वेशन कर बताई थी आप लोगों को, आप लोग देख लेंगे पिछला वीडियो तो आपको समझ में आ जाएगी, ऑप्शन बी राइट है यहाँ पे। ठीक है, अगला क्वेश्चन है इंटीग्रेटिंग फैक्टर ऑफ द इक्वेशन पूछा गया है इसका, तो इंटीग्रेटिंग फैक्टर ही निकालेंगे, केवल ज़्यादा निकालने की जरूरत नहीं है, यहाँ पे इंटीग्रेटिंग फैक्टर क्या आ जाएगा, अभी ऊपर जो सवाल था बिल्कुल उसका अपोजिट बन गया, ये बन गया 2xy / 1+x² 1+x² से डिवाइड देंगे, क्योंकि हमको dy/dx + px = qy इस फॉर्म में बनाना है इसके लिए। ठीक है, तो यहाँ पे y = bx रख के सॉल्व कर लेंगे तब भी आंसर आ जाएगा। ठीक है, लेकिन हमको इंटीग्रेटिंग फैक्टर तक ही निकालना है, तो इतना निकालेंगे तो 1+x² इंटीग्रेटिंग फैक्टर आएगा, आपके पेपर में इंटीग्रेटिंग फैक्टर जरूर पूछे जाएंगे, तो आप उनको अच्छे से प्रिपेयर करेंगे। ठीक है, अगला क्वेश्चन है d3y/dx (3+3dy/dx + 3y = 0 हैज़ ऑर्डर, तो बताया था कि ऑर्डर क्या होता है, ऑर्डर होता है हाईएस्ट पावर, तो यहाँ पे हाईएस्ट पावर 3 है, तो ऑप्शन नंबर सी राइट है। अगला पूछा गया डिफरेंशियल इक्वेशन हूज सॉल्यूशन इज y = a(x + b)(2x) + c(3x), तो इसका ऑर्डर पूछा है, जब इसको मतलब इसको चेंज करना है, ये तो सॉल्यूशन दिया हुआ है, आपको इसको ऑर्डर चेंज करेंगे तो ऑर्डर 3 आएगा। देखिए यहाँ 3x है, ठीक है, x 2x 3x, तो हमारा जब सॉल्व करके इक्वेशन जो आएगी उसमें जो हाईएस्ट पावर होगी वो 3 होगी, इसलिए ऑप्शन सी राइट है। ठीक है, यहाँ पे इस टाइप से भी देख सकते हैं, यहाँ पे 3 आर्बिट्रेरी कांस्टेंट है, इसलिए पावर ऑर्डर क्या है 3 हो जाएगा, अगर यहाँ पे प्लस d e^4x एक और ऐड कर देते तो 4 हो जाता। ठीक है, आप लोग इस टाइप से इसको याद रख सकते हैं। अगला जो है डिफरेंशियल इक्वेशन d2y/dx (2+√1+dy/dx)³³=0 हैज़ नेचर, तो क्या नेचर है, तो यहाँ पे ये सेकंड ऑर्डर की है और क्या है सेकंड डिग्री की भी है। कैसे सेकंड ऑर्डर की है, क्योंकि यहाँ पे हाईएस्ट जो पावर है वो 2 है। ठीक है,
और ये जब इधर से रूट हटेगा इधर आ जाएगा तो स्क्वायर लग जाएगा, तो जो स्क्वायर आएगा तो सेकंड ऑर्डर की हो जाएगी। ठीक है, यहाँ पे देखिए एक्सप्लेनेशन दिया हुआ है, आप इसको देख सकते हैं। आगे पूछा गया है जनरल सॉल्यूशन ऑफ डिफरेंशियल इक्वेशन, तो ये जब सॉल्व करेंगे तो ये आपका आ जाएगा ऑप्शन ए, वाई बाई एक्स इक्वल टू सी वन। देखिए छोटे जिनका भी छोटे छोटे क्वेश्चन हैं ये आने के चांसेस बहुत ज़्यादा हैं, तो इनको अच्छे से प्रिपेयर करेंगे। अगला है जनरल सॉल्यूशन ऑफ एक्स डी एक्स प्लस वाई डी वाई इक्वल टू जीरो, देन ऑप्शन हमारा राइट हो जाएगा सी एक्स स्क्वायर प्लस वाई स्क्वायर इक्वल टू सी स्क्वायर। अगला जो क्वेश्चन है जनरल सॉल्यूशन ऑफ डिफरेंशियल इक्वेशन डी वाई बाई डी एक्स इक्वल टू वाई बाई एक्स, तो ये ऑप्शन सी राइट होगा, वाई इक्वल टू सी एक्स। ठीक है, अगला क्वेश्चन है इंडिकेटिंग फैक्टर ऑफ वन प्लस एक्स स्क्वायर डी वाई बाई डी एक्स प्लस वाई इक्वल टू टेन इनवर्स एक्स, ये भी इंपॉर्टेंट है, केवल इंडिकेटिंग फैक्टर ही पूछा है तो आपको ज़्यादा करने की जरूरत नहीं है। यहाँ से इस फॉर्म में बना लिया आपने और उसके बाद क्या करेंगे, इसको e टू द पावर इंटीग्रेशन वन अपॉन वन प्लस एक्स स्क्वायर डी एक्स लिखेंगे, ये होता है टेन का, तो e टू द पावर टेन आ जाएगी। ठीक है, तो ऑप्शन यहाँ पे हमारा कौन सा राइट हो जाएगा, तो यहाँ पे ऑप्शन हमारा e टू द पावर हमारा ऑप्शन नंबर डी राइट हो जाए, सॉरी बी राइट हो जाएगा। ठीक है, ई टू द पावर टेन इनवर्स एक्स। ठीक है, तो उम्मीद करते हैं ये सारे क्वेश्चंस आपको समझ में आ गए होंगे, आगे वाला वीडियोस आपको आगे मिलेगा। तो बस आज के लिए इतना ही, अगर आपने पीछे वाले वीडियोस नहीं देखे तो वो वीडियोस आप जा करके देख सकते हैं। ठीक है, 2016-17 की पीडीएफ आपको मिल जाएगी लैपलॉस ट्रांसफॉर्मेशन की। तो वीडियो को लाइक करना ना भूलें, अपने दोस्तों के साथ शेयर करना भी ना भूलें। थैंक यू फॉर वॉचिंग दिस वीडियो। जय हिंद, जय भारत।